पटना में दिन दहाड़े अपराधियों का तांडव। रंगदारी नहीं देने पर किया मारपीट। पुलिस के साथ मिलकर निर्माण हो रहे मकान को तोड़ा, जिससे इलाके में सनसनी फैली है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना की है, जहां गोपालपुर थाना इलाके के इलाही बाग में रंगदारी नहीं देने पर मकान बना रहे मिस्त्री को अपराधी सौरव कुमार और अपराधियों के साथ मिलकर मारपीट किया और सामान उठा ले गया। 2 लाख की रंगदारी नहीं देने पर मालिक को जान से मारने की धमकी दिया है, जिसका मामला गोपालपुर थाना में दर्ज कराया गया है। वहीं पीड़ित ने बताया कि पुलिस के सामने ही अपराधियों ने दीवार को तोड़ा है, जिससे ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस भी मामले में शामिल है। क्या नाम हुआ आपका? राम बचन रविदास। एड्रेस बताइए अपना। पटनपुरा। मामला क्या है जी? मामला यही है कि हम काम कर रहे थे, उसमें 10-15 आदमी गए और मैंने साथ में प्रशासन भी थे। अच्छा, ये मामला कहाँ का है? संपाचक थाना का है। कहाँ पर है मकान का निर्माण? कहाँ कर रहे? इलाहीबाग भी रहा। क्या मैटर है जमीन का? जमीन का मैटर है इलाहीबाग का। एक लड़का है सौरव कुमार, बाप का नाम वाल्मीकि जी। 2 लाख रुपए का रंगदारी मांगता है। अच्छा, नहीं देने पर आया, तोड़ फोड़ किया है। अच्छा, मिस्त्री को मारपीट किया है। अच्छा, थाना के एसआई शायद नाम है उनका साहेब लाल, वो भी साथ में थे। और साथ में थाना आके बाउंड्री तोड़वा रही है? साथ में थे, साहेब लाल नाम है। अच्छा।